सकते हैं, बट इट विल बी अ मैटर ऑफ टाइम। एंड यहां पर फनेटिक एश और रौनक बैठे हुए हैं, इनके ऊपर प्लेयर्स ने पुश कर दिया, टीम INS के दो प्लेयर्स एग्जिस्ट और कार्टून पुश करना शुरू कर चुके हैं, बट देन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिकॉज़ रौनक एक एचपी पर बचे थे, सांगवन डाउन हो चुके हैं, हील करना पड़ेगा, बट देन रौनक को भी डाउन किया एंड फनेटिक हैज बीन एलिमिनेटेड बाय इंसिडेंस, लेकिन ग्रेनेड के साथ एग्जिस्ट को डाउन किया जाता है यहां पर इस गेम के अंदर, बट देन इनको रिवाइव मिल जाएगा। बट अब एग्जिस्टेंस यहाँ पे नॉक डाउन हुए फनेटिक एश के ग्रेनेड से, जो आखिरी में उसने एक बार मेरे ख्याल से नीडल ओपन कर ली, खोल दी होगी वहाँ पे ग्रेनेड की, सो वहाँ पे वो नॉक डाउन हो चुके। बट यहाँ पे जोन नहीं है उनके पास, ओआर के पास एक अच्छा जोन पॉइंट है, बट यहाँ पे वो वही थर्ड पार्टी हो रहे, सैंडविच हो रहे हैं, सेवन से फाइट ले रहे हैं, बट यहाँ पे ETG ब्रॉलर ने वहाँ पे थर्ड पार्टी कराई, उन्होंने एंटो एंड संधु वहाँ पे उस वाले स्मोक बॉल, मेरे ख्याल से रेव देना इज विल बी द गुड कॉल बाय देम। यस, बट 7S का स्क्वाड अगर धीरे धीरे ऊपर मूव करता तो रैप को कैंसिल भी करना पड़ेगा, बिकॉज बीरू आगे ऊपर आ रहे हैं, नो डाउट वो अभी जोन से फाइट ले रहे हैं, बट देन उन्होंने स्पॉट कर लिया प्लेयर को, ग्रेनेड उनके हाथ में आ चुका है एंड वहां पर स्पॉट किया जा चुका है, वीरू नूप के ऊपर स्प्रे आया, बट यहां पर ऑरेंज रॉक को एलिमिनेट किया 7S के ग्रेनेड ने, द ग्रेनेड ऑफ डेथ वॉज आउट देयर एंड वीरू नूप को पीछे मूव करना पड़ेगा बिकॉज ऊपर से एक और स्क्वाड आ चुके हैं, जिक्सो डाउन हो चुके हैं, इनको देखना पड़ेगा, ऊपर त्रिलोक अकेले फाइट ले रहे हैं, INS की फाइट यहाँ पर चल रही है एक्चुअली जोन के साथ, बिकॉज जोन के अंदर मूवमेंट देना ही पड़ेगा, हाइड्रा की स्क्वाड डाउन हो सकती है बाय MYM, वैम्पायर की हेल्थ कम एंड वैम्पायर को डाउन किया जा चुका है, जायरोगॉट बचे हुए हैं, बट देन राइजर की हेल्थ धीरे धीरे कम हो रही है, बट यहाँ पे वीरू का जो ग्रेनेड था मेरे ख्याल से दैट वाज अ क्रूशियल नेट फॉर देम एज वेल, बिकॉज वहाँ पे भी वो वाइप आउट हो सकते उनका, क्योंकि जो टीममेट था वो नॉक डाउन था वहाँ पे ज़िक्शॉ, बट ओआर को यहाँ पे पूरा एलिमिनेट करा विद दैट अ वंडरफुल ग्रेनेड। बट यहाँ पे MYM के पास भी एक फाइट है, हाइड्रा राइजर वहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे रेव लेने के लिए, बट यहाँ पे MYM का जॉन का एक स्प्रे ट्रांसफर करा था उसने, ETG ब्रॉलर डार्क एंड नोवा दो बंदे अकेले बचे हुए हैं एंड सीरवी ने यहाँ पे सिंगल टैप से वैम्पायर ओपी को नॉक डाउन करा फिर से एंड दे आर ऑल्सो ऑन द 3-man स्क्वाड राइट नाउ। बट यहाँ पे 7S के पास एक उन्होंने अच्छा कवर बना रखा है यूके से, बिकॉज अपिल तो एक नेचुरल कवर है, वहां पे एक जो US बर्स्ट डाउन कर रहे, दो US बर्स्ट डाउन कर रही, ओके सो ग्रेनेड कमिंग अप अगेन, वहां पे ज़िक्सो नॉक डाउन होता है, अब यहां पे क्लोज एनकाउंटर थॉमसन वर्सेस वीरू के पास, आई थिंक M4 है वहां पे एंड क्रॉसर से मारने की कोशिश, बट अभी वीरू देखते हैं यहां पे 1v2 फाइट कर, यहां पे निकाल पाते हैं कि नहीं, जायरस गॉड इज कमिंग अप ओवर देयर, अब उसकी गन यहां पे रीलोड में है, जायरस गॉड अभी भी जिंदा है वहां पे, वीरू वीरू नू यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, बट वीरू गॉड eliminated in this match, Jairo Quad यहाँ पे Thompson के साथ निकालता हुआ ये वाली fight, Riser यहाँ पे knockdown हो चुका है फिर से, players are everywhere and fight is engaging, like MY मेरे ख्याल से अच्छा खासा fight निकाल सकते हैं because उनके पास zone है, uphill है main चीज, synergy के players बहुत ज़्यादा scattered है जो कि मेरे ख्याल से disadvantage देंगे उन्हें आने वाले time पे। बिल्कुल MYM के पास एक अच्छा चांस बन जाता है, प्ले जोन से हाइड्रा राइजर डाउन हो जाते हैं एंड फिनिश हो जाते हैं एक्चुअली, बट टीम INS स्लेयर, टीम INS को भी एक ओपनिंग गेम चाहिए था एंड ये उनके लिए आ चुका है, स्लेयर इज एक्चुअली गोना गो अप विद दैट AWM, बट उनको देखना पड़ेगा उनके साइड में स्मोक जैसी हटेगा इट विल बी अ सरप्राइज फॉर हिम, बिकॉज सिनर्जी के प्लेयर्स वहां पर बैठे हैं, उनको पता है कि उनके साइड में एक प्लेयर स्लेयर एंड ग्रेनेड आता है, ग्रेनेड से एक और प्लेयर डाउन हो सकता है, स्लेयर माइट बी डाउन आउट इन दिस थिंग, बट स्लेयर के बहुत पास था ग्रेनेड, 50% HP उनके डाउन की जा चुके हैं एंड वो भी ग्रेनेड काउंटर अटैक के प्रॉपरली स्प्रेड करना शुरू कर चुके हैं, बट देन ये ग्रेनेड्स ऑस्टिन एक्स के पास भी एक ग्रेनेड आया था, ऑस्टिन एक्स के ऊपर था बट देन वो उनके साइड से निकल कर जा चुका है, वेनम कैन एक्चुअली गो फॉर इट एंड ऑस्टिन एक्स को एक ग्रेनेड डैमेज दिया, अब वेनम और स्लेयर एक दूसरे के बहुत ज्यादा आसपास आ चुके हैं, स्लेयर देखते हैं निकाल देने, स्लेयर ने यहां पे एक प्लेयर नॉकडाउन करा है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिकॉज आखिरी प्लेयर बचा है वहां पे ऑस्टिन एक्स, बट सीरी तो बहुत ज्यादा दूर है, ऑस्टिन एक्स ने यहां पे नॉकडाउन करा स्लेयर को, कवर फायर आया पीछे से स्लैक्स का, INS इज गोइंग ऑन द रोल, यहां पे स्लैक्स का बहुत प्यारा कवर फायर, एक स्मोक बॉल बना के स्लेयर को रेव देने की कोशिश, बट यहां पे ऑस्टिन एक्स वहां पे अकेला था, सीर भी बहुत ज्यादा दूर, बट MYM यहां पे थर्ड पार्टी करने की कोशिश करेंगे बिकॉज यहां पे एक प्लेयर ऑलरेडी नॉक डाउन है, दे नो दिस इज द राइट टाइम टू डू ईच एंड एवरी फाइट एंड यहां पे एंगेज कर चुके स्लैग्स, अभी क्लोजर आ चुका है एंड स्लैग्स ने यहां पे निकाला प्रोल एंड फायर, दैट फाइट वाज अमेजिंग, स्लैग्स यहां पे निकल चुका है एंड MYM got their second chicken dinner over here. Easy chicken dinner था इन लोगों ने final second because snacks fight ले रहा था वहाँ पे पूरी Austin X के साथ, Austin was the last guy over there and CRV भी आया था वहाँ पे vehicle लेके, so MYM यहाँ पे prove करते हुए फिर से 4 kills chicken dinner के साथ and History is actually kind of repeating itself because कल पहला मैच Fnatic जीते, उसके बाद MYM जीते, आज भी Fnatic जीते जैसे, उसके बाद MYM जीते, so that means ये चीज शो कर रही है कि MYM वो फाइट जो सेकंड पोजीशन की है वो फाइट वो लूज नहीं करना चाहते एंड अच्छे तरीके से उस फाइट को अपने हाथ में रख चुके हैं एंड वो फाइट यू नो वो निकाल रहे हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है, बाकी MYM ने